हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लता की लाइब्रेरी। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और आसान सा बॉर्डर पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये बॉर्डर पैटर्न हमारा 2 के मल्टीपल में पड़ता है, यानी कि 2 के जोड़े के हिसाब से हमने फंदे डालने हैं और 10 नंबर की सिलाई पे हमने इस पैटर्न को बनाना है। यदि आपका धागा बारीक है तो आप इसे 11 नंबर की सिलाई पर भी बना सकते हैं और दो दो फंदे हमने साइड से एक्स्ट्रा डालने हैं। ये देखिए, ये बहुत ही इजी पैटर्न है। इसको आप ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इस बॉर्डर पैटर्न को आप ऑल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे बनता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखिए, फंदे डालने के बाद हमारे फ्रंट साइड से फर्स्ट रो हमने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डाल लेने हैं। और ये देखिए, ये जो हमारी फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो आएगी, 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने। ये देखिए, ये पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और दूसरा फंदा बुन के उतारेंगे। ये 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे। फिर देखिए, धागा पीछे ही रहेगा और ये 2 के जोड़े के हिसाब से हमारा ये पैटर्न बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे ये 2 के जोड़े के हिसाब से हमारा पैटर्न आता है। तो ये देखिए, 1 और 2, ये 2 फंदे आगे कर लेने हैं और इनके बीच से यहाँ पे देखिए ऐसे हमने सिलाई डालनी है। ये सिलाई डाली और 1 फंदा बना लेंगे। ये फंदा बनाया हमने, ये देखिए, और फिर इस लेफ्ट नीडल में डाल देना है। ये लेफ्ट नीडल में डाला, फिर धागा अपने साइड करेंगे। अब देखिए, जो ये फंदा बनाया हमने, इसको और आगे वाले 2 फंदों में से आगे वाला फंदा, इनको देखिए धागा अपने साइड है, इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा फंदा और पहला वाला फंदा हमने एक साथ बुन दिया। फिर दूसरा फंदा भी उल्टा बुनेंगे, ये देखिए, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, फिर ये 2 फंदे आगे कर लेने हैं ऐसे। ये आगे किए हमने 2 फंदे और फिर इसके बीच से ऐसे सिलाई डालेंगे और ये 1 फंदा बना लेंगे। ये फंदा बनाया और ऐसे लेफ्ट नीडल में डाल देंगे। फंदा लेफ्ट नीडल में डालने के बाद धागा अपनी साइड करना है। अब जो एक्स्ट्रा फंदा बना है और 2 फंदों में से आगे वाला फंदा है, इन दोनों को एक साथ बुनना है और उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, ये एक साथ बुने और उल्टा बुने। फिर दूसरा फंदा इसको उल्टा ही बुन लेना है, ये ऐसे। फिर धागा पीछे, अब देखिए 2 फंदे आगे करके और यहाँ बीच से ऐसे ये सिलाई डालनी है और ये एक्स्ट्रा फंदा बनाया और ऐसे लेफ्ट नीडल में डाला। फिर धागा अपनी साइड, अब देखिए एक्स्ट्रा फंदा और आगे वाला फंदा, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे और उल्टा बुनेंगे फ्रंट साइड से। फिर इसके देखिए, दूसरा फंदा है जो इसके साथ वाला, इसको भी उल्टा बुनेंगे। ये 2 फंदे बुन दिए, फिर धागा पीछे, फिर 2 फंदों के बीच से 2 फंदे आगे करके ये सिलाई डालनी है और एक्स्ट्रा फंदा बनाना है और लेफ्ट नीडल में डालना है। फिर धागा अपनी साइड और एक्स्ट्रा फंदा और आगे वाला फंदा एक साथ बुनेंगे और उल्टा बुनेंगे, ये ऐसे। दूसरा फंदा भी उल्टा बुनेंगे। इस तरह फ्रंट साइड से हम अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए, बैक साइड से सेकंड रो, ये पहला फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है और सेकंड रो को हमने ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। पूरे पैटर्न में बैक साइड से ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करेंगे, उल्टा ही बुनेंगे हम। ये बैक साइड से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट किया। ये फ्रंट साइड से थर्ड रो, अब थर्ड रो में देखिए 3 फंदे सीधे बुनेंगे। पहले हमने फर्स्ट रो में 2 फंदे सीधे बुने थे, अब थर्ड रो में हमने 3 फंदे सीधे बुन लेने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हम अपना पैटर्न
रिपीट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये दो फंदे हमने आगे करने हैं और ये सिलाई डाल के ये एक्स्ट्रा फंदा बनाया और लेफ्ट नीडल में डाल देना है। फिर देखिए एक्स्ट्रा फंदा और पहला वाला फंदा ऐसे एक साथ बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा ये देखिए इसको भी उल्टा ही बुनेंगे, फिर धागा पीछे करना है। अब देखिए दो फंदे आगे करके ये एक्स्ट्रा फंदा बनाया और फिर ऐसे लेफ्ट नीडल में डाला, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और देखिए एक्स्ट्रा फंदा और पहला वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे, फिर दूसरा फंदा भी उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे, फिर देखिए दो फंदों के बीच से सिलाई डालनी है, एक्स्ट्रा फंदा बनाना है और लेफ्ट नीडल में डाल लेना, फिर धागा अपनी साइड, एक्स्ट्रा फंदा और पहला वाला फंदा ये ऐसे बुन लेंगे उल्टा, फिर दूसरा फंदा भी उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। इस तरह से फ्रंट साइड से थर्ड रो कंप्लीट कर लेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो, अब फोर्थ रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये पहला फंदा उतारा और पूरी रो को ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट किया। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो, अब फिफ्थ रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा, ये देखिए, और ये बनके बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।